सभी का एक बार फिर स्वागत है एसपीएन 9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। अब तक भारतीय जनता पार्टी के नेता, उसके कार्यकर्ता जिस शब्द को बोलते रहे हैं, क्या अब खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत उन्हीं शब्दों पर उंगली उठा रहे हैं? बिल्कुल हां, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता रहा है अब उन्हीं शब्दों को आप हिटलर के साथ जोड़ते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनावों में भी यही बयान हमें सुनने को मिले थे, यही नारे सुनने को मिल रहे थे कि अब राष्ट्रवादियों की सेना आ चुकी है, राष्ट्रवादियों का समूह आ चुका है। राष्ट्रवादी शब्द, इसको लेकर लगातार उंगलियां उठाई जाती थी कि आप किस राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। लेकिन जब विपक्षी या विरोधी आप पर यह उंगली उठाते थे, आपसे यह सवाल करते थे, तब उस पर कई प्रकार के विश्लेषण भी हुआ करते थे। लेकिन इस दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राष्ट्रवाद को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रवाद जो शब्द है, यह कहीं ना कहीं फासीवाद या नाजी या फिर हिटलर के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है, इसे कहना गलत होगा, इसलिए आप राष्ट्र शब्द का प्रयोग करें, राष्ट्रवाद का प्रयोग बिल्कुल ना करें। अब तो आरएसएस प्रमुख ने भी इस बात से आपको मना कर दिया है कि आपको राष्ट्रवादी नहीं कहना अपने आप को, अब आप राष्ट्रवादी नहीं है। तो कल तक जिस बात पर इतनी लड़ाई चल रही थी, किसी को देशद्रोही बताया जा रहा था और अपने आप को राष्ट्रवादी बताया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा और उनके समर्थकों यानी अंधभक्तों के द्वारा, राष्ट्रवादी शब्द लगातार छाया पड़ा था, राष्ट्रवादियों की टीम आ गई, समूह आ गया। लेकिन आरएसएस प्रमुख ने इस वक्त उनकी इस भ्रांति को तोड़ दिया है, इस भ्रम को तोड़ दिया है और उनका बेहद ही चौंकाने वाला बयान सामने आया है। क्या मोहन भागवत के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आप को राष्ट्रवादी कहना बंद कर देंगे? हम इन्हें कथित राष्ट्रवादी कहते थे, लेकिन अब तो राष्ट्रवाद शब्द पर ही उंगली उठ चुकी है। राष्ट्रवाद शब्द का इस्तेमाल करते हुए जिस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है भारत में और जिस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया था जर्मनी में हिटलर द्वारा, उन बातों को यदि आप लाते हैं सामने तो बिल्कुल समांतर दिखाई देती हैं, मेल खाती हुई दिखाई देती हैं। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इस वक्त जो राष्ट्रवाद शब्द पर टिप्पणी की है, क्या उस पर गौर करेंगे, ध्यान देंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके कार्यकर्ता एवं अंधभक्त? इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रवाद के संबंध में आपको बताना है कि क्या यह वाकई में से हिटलर के साथ जोड़ा जाना चाहिए, यह शब्द तो ऐसा नहीं होता था, राष्ट्रवाद तो एक बहुत ही पवित्र शब्द था, लेकिन जिस तरह राष्ट्रवाद को हिटलर ने बदनाम कर दिया, इस शब्द को बर्बाद कर दिया, उस तरह भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने भी राष्ट्रवाद शब्द को बदनाम कर दिया है, जिसके फलस्वरूप मोहन भागवत को सामने आकर यह टिप्पणी करनी पड़ी। इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।